बर्मिंघम में पाकिस्तान के मरूफ गुलकार और मौसीकार साहिर अली बग्गा गुलकारा सहर गुल खान ने मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने कल्चर के दिलदादा हैं, इनकी मोहब्बत और मेहमान नवाजी के मशहूर हैं। जबकि मैनेजमेंट की जानिब से ओवरसीज से 13 मार्च को बर्मिंघम में होने वाले कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी फनकारों के हौसला अफजाई के लिए शामिल होने की दरख्वास्त की गई। बर्मिंघम में पाकिस्तान के मरूफ गुलकार फनकार और मौसीकार साहिर अली बग्गा और गुलकारा सहर गुल खान ने अपने प्रमोटर्स के हमरा मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कोविड-19 की पाबंदियों के बाद ये हमारा पहला दौरा है। अब तक 2 शोज कर चुके हैं और इस दौरान जिस तरह पाकिस्तानियों ने मोहब्बत का इजहार किया, हमें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान में हैं या बर्तानिया में। प्रमोट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये छोटी बात नहीं होती। मैं समझता हूँ इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हम यहाँ पे आके बैठ के अभी कावा पी रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है हमारे लिए कोई भी टूर लेके आना। यहाँ पे ये सारा जो क्रेडिट है इनको जाता है जो हमें यहाँ पे लेके आए। और वैसे भी कोविड के बाद इतना बड़ा शो करना ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि भाई आप कैसे शो जाते हैं कैसे नहीं जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ट्रस्ट किया हम पे भी और हमने इन पे ट्रस्ट किया। और आप यूके ओवरसीज पाकिस्तान जितने भी हैं वो हम पूरी टीम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हमारे शोज जो हैं अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानी जितना अपने मुल्क से प्यार करते हैं उनसे हमें सीख कर पाकिस्तान में डिलीवर करना चाहिए, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक गाए हुए तराने के चंद बोल भी सुनाए। खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज दिल दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। सहर गुल खान, आबिद इकबाल, मैनेजर शुएब आलम, आसिम रजा, मोहम्मद अयूब, MBE और दूसरे 20 मौके पर मौजूद थे। सहर गुल खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बर्तानिया में ये मेरा पहला दौरा है और बहुत ज्यादा नर्वस महसूस कर रही थी। शो के बाद जिस तरह बर्तानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों ने जोश और वलवले के साथ मोहब्बत का इजहार किया, मेरी हिचकिचाहट बिल्कुल खत्म हो गई और यहाँ आकर महसूस हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी सकाफत और कल्चर से कितनी मोहब्बत करते हैं। बट यहाँ पर आकर जो मेरी जो नर्वसनेस थी वो सारी गायब हो गई, क्योंकि यहाँ मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर आई हूँ। स्पेशली जो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देख के और लोगों का जो बिहेवियर है वो सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं डेफिनेटली अगेन एंड अगेन आऊँगी यहाँ पे। इस दौरान उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में अपने मशहूर गाना दिल गलती कर बैठा है गुनगुनाया। दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा, क्या होगा तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा, क्या होगा। मैनेजर शुएब आलम ने कहा कि 13 मार्च को बर्मिंघम में साहिर अली बग्गा और सहर गुल खान दोनों लाइव परफॉर्मेंस करेंगे और तमाम ओवरसीज से गुजारिश है कि वो पाकिस्तानी फनकारों की हौसला अफजाई के लिए जरूर हमारे शो में आएं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा अली रजा, CNN News, बर्मिंघम।